तो आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ पोजर वेंचर में फेडर। हाँ, तुम लोगों ने सोचा ना आज हम पोजर वेंचर में इंस्टॉल करने वाले हैं फेडर, पर आज हम दूसरों की तरह फेडर का रिमेक डाउनलोड नहीं करने वाले हैं। आज हम फेडर इंस्टॉल करने वाले हैं, पर जो पोजेब के अंदर ही तुमको मिलने वाला है जो कि न्यू फीचर्स है, जो क्रिएट मोड पैक का फीचर्स तुमको देखने को मिलता है और ये बहुत ही पहले आ चुका है। आज हम इसमें मैंने सर्च किया फेडर तो मुझे ये वाला फेडर देखने को मिला। इसका कोई फेडर क्लाइंट नाम नहीं है, बस इस मोड का नाम है फेडर। इसे इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें नीचे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाना है, उसके बाद तुम्हें मोड पैक मिल जाएगा, क्रिएट मोड पैक प्रोफाइल, और तुम्हें यहाँ सर्च करना है फेडर क्लाइंट। उसके बाद तुमको नीचे सेकंड नंबर ऑप्शन पे तुम्हें ठीक मिल जाएगा फेडर क्लाइंट, और यहाँ तुम अपना वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ मैं 1.20.1 सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद अप्लाई करना है, वो आ जाएगा। देखो ये नीचे वाला फेडर, इसका मैं 1.20.1 का दूसरा वाला करूंगा, ये अच्छा मुझे लग रहा, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करते समय मुझे कुछ 4 MB कुछ ऐसा लगा था, एंड उसके बाद कुछ 108 मोड का कुछ डाउनलोड हुआ, जो कि तुम्हारा लगता है 80 से 90 MB के आसपास कुछ होगा, तुम्हारा कुछ ऐसे डाउनलोड लेगा। उसके बाद तुम्हारा प्रोफाइल में आ जाएगा, तुम्हें यहाँ शो करने को मिलेगा फेडर, एंड इसका भी अलग से फाइल फोल्डर बन चुका है। एंड यहाँ मैंने लेटेस्ट JDK 21 सेट किया ताकि क्रैश ना हो। उसके बाद मैंने सेव किया, और जब उसके बाद मैंने प्ले किया, उसके बाद तो पहले ब्लैक स्क्रीन आ रहा था, उसके बाद फिर क्रैश हो गया। मुझे पता नहीं चल रहा कि पोजेब इसे किसने लाया है। फैब्रिक फोर्ज ऑक्टिफाइन कूल सभी तो वर्क कर रहा, ये मोड पैक वाला कोई भी मोड मोड इंस्टॉल करते समय क्रैश होता है, किसने लाया मुझे पता नहीं। हाँ मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, पर ये क्रैश हो रहा है मोड, मुझे नहीं पता क्या हो रहा। पर इसे फिक्स करने के लिए मैंने इसके मोड फोल्डर में गया, और यहाँ जो जो भी मोड है, और यहाँ मुझे जीप फोल्डर देखने को मिला है, हो सकता है जीप की वजह से क्रैश हो रहा। तो यहाँ जितने भी सारे जीप फोल्डर है सबको मैंने कट करके अलग से रिसोर्स पैक बना के पेस्ट कर दिया। उसके बाद जब मैंने प्ले किया तब फिर से ये क्रैश हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे फिर से फिक्स करने का ट्राई किया, तो मैंने देखा कि यह सोडियम का लेटेस्ट वाला वर्जन था जो कि 0.5.2 वाला था, तो जो हम यूज कर रहे वो तो कुछ अलग वाला वर्जन था जो कि 0.4 के आसपास वाला वर्जन था। तो इस सोडियम को मैंने रिमूव कर दिया, सोडियम के साथ रिलीज सोडियम इंडियम और लिथियम मुझे नहीं मिला, इन सभी को रिमूव किया और जो मेरा वाला सोडियम को ऐड किया। तो उसके बाद मैंने प्ले किया तो यहाँ फिर से क्रैश देखने को मुझे मिला था। उसके बाद मुझे जितने भी मोड मिले जो मुझे नहीं पता थे या उससे रिलेटेड नहीं थे उसको मैंने रिमूव कर दिया। जो कि इतने सारे मोड है जिनको मैंने रिमूव कर दिया, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है उसको मैंने रिमूव कर दिया। तुम यहाँ देख सकते हो कितने सारे मोड है, बहुत सारे मोड है। फिर उसके बाद जब मैंने प्ले किया तो मैंने जब लॉग देखा कि कुछ कुछ मोड इसमें मिसिंग था जो कि मैंने रिमूव कर दिया था, तब मुझे नहीं पता था कि इससे मोड रिलेटेड करता है। मतलब जितने सारे मोड है जैसे कि लाइट ओवरले और मिनियाचर सबको मैंने डाउनलोड किया, एंड अभी इन सभी को डाउनलोड करने के बाद हमें इसे मोड फोल्डर में पेस्ट करना है। सबसे पहले इन सभी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद तुम्हें इसे डॉट माइनक्राफ्ट के फाइल फोल्डर में जाना है, उसके बाद तुम्हें इसका ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद सबको पेस्ट करने के बाद जब मैंने इसे प्ले किया तो ब्लैक स्क्रीन आ रहा था, वही मिसिंग रिक्वायरमेंट मोड चाहिए था, पता नहीं क्या हो रहा था। उसके बाद मैंने इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढा, एंड अभी बस इसका एक ही रास्ता है। मैंने सभी मोड को रिमूव कर दिया, बस ही कुछ ही मोड को मैंने रखा है जो लगा कि हाँ अच्छा ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसे ओपन किया फाइनली 5 आवर के बाद ये ओपन हो चुका था, कितने सारे क्रैश फिक्स करने के बाद ये ओपन हो चुका था। और हमने इसमें कुछ मोड ऐड किए थे जो कि बेटर 10% और लाइट ओवरले था, और कुछ कुछ मोड था वो था जेट हिस्ट्री। उसके बाद मैंने इसके कुछ कस्टमाइज किया, पता नहीं क्या था ये, और हम इसमें सोडियम ऐड नहीं किए थे तो हमने इसको भी ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको हमको पेच करना बाकी था क्योंकि ये अलग फोल्डर में बना था, तो इसको पेच करना जरूरी था। एंड पैच करने के बाद जब हमने इसे प्ले किया तो गेम तो ओपन हो गया ठीक है। उसके बाद हमने जो ओल्ड क्रिएट किया था उस ओल्ड में जब गए तो गेम के अंदर जाते जाते ही फिर से सेविंग ओल्ड आके फिर से क्रैश हो जाता है। एंड उसके बाद हमने इसे बिना सोडियम के साथ चलाया तो ओपन हो गया और ओल्ड भी ओपन हो गया। एंड ओल्ड में देखो ये जो ये अवेलेबल मोड था ये क्या काम करता है, बस F7 दबाने से ये आता है और कुछ नहीं। और उसके बाद जब मैंने इसके कस्टमाइज को रिसेट किया तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बस इससे मेरा लैग बढ़ा और पता नहीं क्या है। एंड तुमको यदि पता है तो कमेंट में बता देना। तो ये था मोड पैक फीचर्स, एंड ये पता नहीं क्यों लाया, बस क्रेज ही करता रहता है, इसका यूज क्या मुझे नहीं पता। हाँ बाद में सही कर दे तो अच्छा होगा, तब शायद अच्छे से वर्क कर जाएगा, पर अभी तो ये उतना भी अच्छा नहीं है एंड ना इसमें फीचर्स चलेगा। तो तुमको भी यदि ये सारे कस्टमाइज मोड चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और पता नहीं क्यों यूट्यूब का क्या ग्लिच आ रहा, कमेंट सेक्शन ऑन ही नहीं हो रहा, तो तुमको यदि कमेंट सेक्शन ऑफ दिखे तो तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।